हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला चना, जो कि माता के भोग के लिए बनाए जाते हैं। हमने 250 ग्राम चने लिए हैं, उनको अच्छी तरह से धोकर रात को भिगोने रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से भीग चुके हैं, अब इन्हें हम उबलने के लिए रखेंगे। सबसे पहले कुकर में मैं चने डालूँगी। मैंने सभी चने कुकर में डाल दिए। अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि चने अच्छी तरह से डूब जाएं। एक चम्मच नमक डालेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसे उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हमें 4 से 5 सीटी लगवानी है। इसमें सीटी आ चुकी है। 4 से 5 सीटी के बाद हमारे छोले उबल चुके हैं। अब हमें कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल लेंगे और उसे गर्म करने के लिए रखेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक चुटकी हींग डालेंगे और 1/2 चम्मच जीरा। अब जीरे को चलाएंगे जब तक कि वह चटक ना जाए। जीरा भुन चुका है। अब इसमें 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक का ग्रेट करके डालेंगे और 1 मिनट, जिसको हमने 2 टुकड़ों में काट लिया था, उसे डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अब इसमें हम 1.5 चम्मच सूखा धनिया डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। मैंने मसाले डालने के लिए 1/2 चम्मच का यूज़ किया है और इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। हमें अपने सभी मसाले मंदम आंच पर ही भूनने हैं। अब मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें हम अपने चना डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अब इसमें हम सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक हमें थोड़ा ही डालना है, क्योंकि नमक पहले भी उबालते हुए हमने डाला था। और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें मध्यम आँच पर पकाना है जब तक इसका पानी सूख ना जाए। इसका पानी सूख चुका है। अब इसमें हम कसूरी मेथी को दोनों हाथों से मसल कर डालेंगे। उसके एक्स्ट्रा पार्ट को डिस्कार्ड कर देंगे। ये हमारे मसाला चना तैयार है। इसे हम कटोरी में सर्व कर लेंगे। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।